घर में ना चोरियां करना बंद कर। आप चोर हो, तेरे परिवार को भी फोन लगाओ, तेरे पिताजी को लगाते रहो फोन, तेरे पापा को फोन लगाऊं क्या? डंडे से मारेगी रोड पे? हाँ मार ले, आजा मार मार। आज से सारा सामान पैक कर और अपने घर निकल। क्या? अपने घर निकल, जायदाद का 50% दो, दिखा। जो पाप करना नहीं चाह रहा था ना वो तूने करवा दिया, करके दिखा। फोन में लगा रही 24 घंटे तू भी यार, कहा तेरी बहन कहा है, 1 घंटा से मिल नहीं रही। अरे उन्होंने मना करा आपको बताने के लिए। क्यों, क्या मतलब? पैसे छुपा रही हूँ रेडी के पास। अरे यार ये भूखे नंगे घर से है क्या? शैडो क्या क्या कर रही है? मार दूंगी। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर क्या कह रही है? लोग तमाशे देखते कर क्या कर रहा है? ये घर में ना चोरियां करना बंद कर। आप चोर हो, तेरे परिवार को भी फोन लगाओ, तेरे पिताजी को फोन लगाओ, लगाते रहो फोन, तेरे पापा को फोन लगाऊं, कुछ और नहीं है। तेरे पिताजी को फोन लगाऊं क्या? अरे ओए छोटी चुटिया वाली सुन ले मेरी बात, पैसे निकालना, पैसे दे। हाथ मत लगा देना, तोड़ दूंगी अभी आपको। लगा इसके बाप को फोन लगाया, फोन दिखाया एक बार, अभी इसके तमाशा पैदा करता हूं मैं। मेरे तिजोरी में से पैसे निकाल लेते, किसी की मदद करनी है? अरे किसी को स्कूटी दिलवानी है, विकलांग भाई है वो, इधर आ। क्या डंडे से मारेगी रोड पे? हाँ मार ले, आजा मार हाँ मार, इधर आ एक बार। आज से सारा सामान पैक कर और अपने घर निकल। क्या? अपने घर निकल, अपना सारा सामान पैक कर, लाओ। क्या? जायदाद का 50% दो। तेरे को दूं क्या? दो ना, आज आधा कोर्ट में ले लियो, चला तेरे को मैं भी कुछ जायदाद पकड़ भाई। अभी तो नहीं जा रही मैं, क्योंकि धेले की जायदाद नहीं है आपके पास। क्या नहीं है? धेले की जायदाद नहीं है आपके पास। तेरे ना तमाशे में ऐसी, तेरे क्या तमाशे, डंडा मार दूंगी अभी। क्या क्या मारेगी? बता दूंगी। क्या करोगे? क्या करेगी तू? क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? मैं बता क्या करूंगा मैं? हां अब देख, दिखा। जो पाप करना नहीं चाह रहा था ना वो तूने करवा दिया, ले करके दिखा। पड़ जाना ये, डर है ना तेरे अंदर पति का? गाइस हम मजाक कर रहे थे, आज आप सबको खुशी देने के लिए हमने बहुत ही तगड़ी सी चीज ढूंढ ली है। गाइस आज वो भैया आ चुके हैं जो वो पंजाब से आए थे, जिनको स्कूटी चाहिए थी, तो आज उनका सपना हम सच कर देंगे। बट स्कूटी हम उनको वहीं से प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अगर अभी स्कूटी लेकर देंगे, अगर हम उनको यहाँ से स्कूटी लेके देंगे तो फिर यहाँ से भिजवानी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अम्बाला, सही कह रहे हो दीपिका, यहाँ से अम्बाला जाएगी, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर ये खर्चा, फिर वो खर्चा। तो इतना अभी आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि गाइस डोनेट नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत डोनेट नहीं कर रहे हैं लोग। अब हम कितना ही कर सकते हैं आप सबको भी पता, हम जितना कर पाएंगे हम चालू रखेंगे इसको पूरी लाइफ टाइम मरते दम तक। लेकिन आपको मैं क्लियर बता रही हूँ, डोनेशंस नहीं आ रहे हैं, वीडियो भी पता नहीं फेसबुक में क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, रीच रुकी पड़ी है, रीच रुकी पड़ी है या कुछ भी, मतलब अभी डोनेशंस नहीं आ रहे हैं। तो अब हम थोड़ा सा समझ कर ही चलेंगे चीज़ों को कि भाई किन चीज़ों को सबकी मदद हो और कितना कर सकते हैं कितना नहीं। आप सबको भी बताया, अगर डोनेशंस नहीं आएंगे तो एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो गाइज हमने, चलो अभी ये सब बातें छोड़ते हैं, आप अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो डोनेशंस आएंगे, और आप बहुत सारा प्यार दोगे, अगर अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकालोगे तो डोनेशंस अपने आप हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि हम सामने आपके दिखाकर चीज़ों को करते हैं। अभी भैया का नंबर हमसे मिसप्लेस हो गया था। हाँ तो मैं पूरा मैटर बताता हूँ, भैया अम्बाला के रहने वाले, नंबर मिसप्लेस हो गया था तो हम परेशान हो गए थे, हमने कई वीडियो में मेंशन भी किया कि भैया का नंबर नहीं मिल रहा है। इनकी स्कूटी हमने नई चमचमाती मंगा के रखी हुई थी, लेकिन वो किसी और की किस्मत में थी, क्योंकि इनका नंबर मिल नहीं रहा था, वो खड़खड़ी हुई थी लेके रखी हुई थी, इन्हीं के लिए नंबर लेकर भी नहीं गए थे, तो ये वाली प्रॉब्लम हो गई। और वो स्कूटी हमने इन वाले भैया को दी है, इनको डेट आगे की मिली हुई थी लेकिन इनको पहले देनी पड़ी क्योंकि इनका नंबर नहीं मिल रहा। तो हमने क्या करा है, जो भैया के पड़ोसी है ना अम्बाला में, विवेक कपूर भैया का नाम, पंजाबी फैमिली से है, तो भैया ने अपना दिल बड़ा करके बोला कि सन्नी भाई आप नहीं मत लो, मैं कई विकलांग लोगों को स्कूटी दे चुका हूँ बेस्ट रेट में, मतलब सेकंड हैंड देते हैं वो लेकिन बेस्ट रेट में देते हैं, तो कह रहे सन्नी आप इनको कुछ टोकन पकड़ा दो, बाकी जब मैं इसको इनको स्कूटी दूंगा तो पेटीएम मार देना आप। सो गाइस कुछ अमाउंट जो है हम इस फैमिली को देके भेजेंगे, और कुछ अमाउंट जो है जो भी स्कूटी, मतलब 30-40,000 जो भी आती है वो हम अमाउंट पेटीएम वहाँ पे कर देंगे, और इनको स्कूटी मिल जाएगी जिसमें व्हील्स भी लगे होंगे, सारी चीज़ें इनके लिए कंफर्टेबल होंगी। तो आज हम कुछ अमाउंट इनको दे रहे हैं और कुछ अमाउंट वहाँ पे। कपूर भैया पहले तो धन्यवाद, आपके पड़ोसी हैं और ये लिंक निकल गया, परमात्मा लिंक बनाता है, एक जोड़ बनाता है जो बिल्कुल नज़दीक के आप मेंबर निकल गए इनके, इनको दिक्कत भी नहीं आएगी, 10 मिनट का इनका डिस्टेंस है आपकी दुकान से, बस आपने बहुत प्यारी सी सुंदर सी स्कूटी बना के देनी और वीडियो बना के भेजनी है जिससे कि जनता को दिखा सको। नमस्ते भैया। सो गाइस ये है वो फैमिली, ये भैया हैं जिनको स्कूटी चाहिए, और ये आंटी हैं, उनकी मदर हैं, और अंकल जी हेल्प के लिए हमेशा साथ में आते हैं। आपके पड़ोसी हैं विवेक कपूर जी, सेकेंड हैंड में डील करते हैं, कई विकलांग भाइयों को स्कूटी बना के दे भी चुके हैं, 5 से 6 उन्होंने बताया मेरे को। अभी मैं आपको कुछ अमाउंट दे रहा हूँ और आप उनके पास जाओ, वो गिनती का 5 से 6 दिन का समय मांग रहे हैं,
और आपको स्कूटी देंगे, जैसे स्कूटी देने वाले होंगे बाकी अमाउंट में उनको पेटीएम मार दूंगा। ऐसा लग रहा है आपको? आपने बोला काम हो गया। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, मैं आपका नंबर मिसप्लेस हुआ 15 दिन पहले, मैंने कई सारी वीडियो में अनाउंस करना शुरू कर दिया कि इस परिवार का नंबर नहीं मिल रहा। एक चमचमाती स्कूटी खड़ी थी मेरे पास जो मैंने बहुत पहले से लेके रखी थी, वो जानी थी भैया के पास। अब वो दिए किसको दिए हमने? एक विकलांग भैया हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, वो नीचे जनता को हमने आपको वीडियो दिखा भी देंगे अभी, वो स्कूटी उनके पास चली गई जबकि जानी इनके पास थी वो, और उनको डेट दे रखी थी बहुत आगे की। अच्छा, आपका नंबर नहीं मिला, ये सारी चीज़ें हमने फेस करी हैं। अभी हम भैया को जो स्कूटी दे रहे हैं, ये कुछ अमाउंट है भैया, कितना है? 10,000। ये 10,000 रुपये आपने उनको देने हैं। ये आपको एक अमाउंट दे दिया भैया, आप एड्रेस दे रहा हूँ उनके पास जाओ, आपको चमचमाती प्यारी स्कूटी मिलेगी। अगर आपको लगता है 2 साल में दिक्कत आ गई है तो नई स्कूटी मैं दूंगा आपको। इतनी मेहनत कर रहे हैं पता है, ये आप कितना सारे मददगारी आते हैं यहाँ पर, आप बिलीव करो भैया, डोनेशंस आ नहीं रहे हैं सच में ही आपको मैं बता रही हूँ। फिर भी तो एटलीस्ट आपकी स्कूटी आ गई आंटी, अब इनका ये जा सकते हैं सब्जी मंडी तक जहाँ भी आप सब्जी कोई बात। तो ये सब्जी का काम करते हैं, फ्रूट्स का काम करते हैं, मतलब रेडी है भैया की, तो ये खुद नहीं जा पा रहे थे क्योंकि कोई इनके पास कोई जरिया ही नहीं था जाने का, तो अब इनके पास स्कूटी होगी तो ये जा पाएंगे, है ना। तो कितनी खुशी है भैया आपको बताओ एक बार? बहुत खुशी। खुश हो आप? और तहलका भाई का वादा है कि 2 साल में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको नई स्कूटी लेके दूंगा 2 साल में, आप चिंता ही मत करो, बस मेरा आपसे बात है। बाकी एक वीडियो भेज देना ताकि जनता देख ले भैया को बैठे हुए। हाँ, भैया बैठे हैं स्कूटी पे और आप नंबर ले लिया मैंने पाजी का। हाँ तुसी हुन ना एदे तो हां सरदार जी का ले लिया ना। सबसे बड़ी बात है तुम्हारी सिरदर्दी खत्म कर दी, हम दिल्ली से लेके कैसे जाएंगे? हां दिल ये बड़ी दिक्कत हमारे लिए भी थी कि दिल्ली से लेके जाते ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से आता, बहुत सारी चीजें होती है। वो सबसे बड़ी बात है, वो विवेक भैया आपके पड़ोसी निकल गए और 10-15 मिनट का रास्ता आपके घर से। अस्सी गारंटी चुक रहे हैं, कोई भी दिक्कत होगी स्कूटी से या कोई भी चीज है ना। तो आंटी क्या कहना चाहोगे जनता से आप, जब तहलका भाई के पास आए थे काम हो गया आपका? काम। मेरे दो बेटे हो गए ना। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल भैया की स्माइल देखो आप, भैया की स्माइल, प्यारी सी स्माइल भैया की। और भगवान मेरे भैया को हिम्मत दे, ये मेरे बड़े भाई हैं, कभी दिक्कत आएगी तहलका भाई इनके साथ खड़ा हुआ है। और ये अचानक से कुछ टाइम पहले भैया के साथ ही हादसा हुआ है, भैया चल फिर रहे थे, सारे काम कर रहे थे, ओके रिपोर्ट थे, लेकिन दुख का पता नहीं होता, दुख का आवाज़ आता है। आप चिंता मत करना, स्कूटी बहुत प्यारी मिलेगी, भैया ने 5 से 6 दिन का टाइम मांगा है, फिर भी एक बार कल चले जाना आप। हाँ, भैया सब कुछ मैनेजमेंट करके सब ओके करके आपको दे देंगे, जिस दिन देंगे तुरंत 5 सेकंड में पेटीएम मार दूंगा उनको मैं, चाहे स्कूटी 35 की हो, चाहे 40 की हो, चाहे 45 की हो। हमने जाना मनाली और सारा बैग पैक पैक हो गया है, सही टाइम पे आप आ गए, नहीं तो फिर आज भी मैं 4-5 दिन बाद ही मिल पाता। आज आपको वापस जाना पड़ता, आपको वापस जाना पड़ता आंटी, सही बता रहा हूँ मैं। ये तो महात्मा का भी शुक्रिया, नहीं नहीं ख्वाहिश ही बड़ी ठंडी है ब्रावा। क्या हुआ? आपको पापा बनाने का फिर रहे दोबारा से। आई लव यू भैया, चिंता ना करना, मेरे साथ अंकल जिद्दन दा तुसी कह के गए हो ना, उद्दन दी मैं सोची पै गई हां की ब्याह वा भैया को दे। अरे दिमाग खराब हो गया भाई मेरा, है दुआवा दो बड़ियां तरक्कियां कर। नहीं नहीं अंकल, ये दुआ मत दो। अरे मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगी, पीछे हो जाओ। नहीं मैं कह, आपको हंसी आ रही है भैया मेरी, ये बताओ यार। ये भाई मेरे घर एक बच्चा आने वाला है, धन्यवाद। ये आदमी कुछ ना संभालता, बच्चे बच्चे पूरी लड़की 5 साल तक मैंने संभाली है। हाँ मैं तो अमेरिका घूम रहा हूँ और क्या, ये देख रहे हो कैसी हो। हम संभाल लेंगे, मैं आऊंगी संभाल। जितने जितने तू झूठ बोल रही है ना, तभी तेरे मुंह पे फोड़े हो रहे हैं। पिंपल हुआ है, और झूठ बोलेगी ना 4 यहाँ पे उग जाएंगे। कोई बात नहीं, आपका तो पूरा मुंह ही उगा पड़ा है, देख लो। भगवान ऐसी बीवी किसी को ना दे, ऐसा पति भी किसी को ना दे। ये शंकर पार्वती की वजह से झगड़े होते थे। बिल्कुल होते। क्या बात कर रहे हो? एक मैं थोड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ। मियाँ बीबी के झगड़े तो होते हैं जी, शंकर पार्वती के बराज के झगड़ा हुआ। कैसा झगड़ा हुआ जी? एक बार की बात है कि वो इकट्ठे जा रहे थे जी, तो रास्ते में मेरे जैसे एक फकीर बैठा था, जो गरीब आदमी बैठा था,
तो औरत को दया आ जाती है, पार्वती जी को दया आई, वो कहते भोले बाबा ये क्या है, इसको इसको कुछ दो ना। मेरे मैं इसके पल्ले में है ही कुछ, इसके नसीब में कुछ नहीं, मैं क्या दूंगा, नहीं आप भंडारे के मालिक को अगर आप दोगे तो कैसे नहीं लेगा। गौर से सुनना भैया, देख लो पार्वती है। मैं पार्वती हाँ। उनके चरणों की धूल भी नहीं है, फिर भी सुन लेती। उसी की गाड़ी को बता। तो दीदी क्या है इसको? जब वो अड़ गई कि मैं तो आपके साथ जाऊंगी नहीं, अपना रास्ता देखो, मैं तो यहीं बैठी हूँ इसके पास, इसको दोगे कुछ तो मैं दूंगी। कहते देख भाई मैं दे रहा हूँ, अब ये ले ना ले इसकी मर्जी है। वो कहता ऐसे कैसे हो सकती है कि आप दोगे और ये ले नहीं लेगा। देख बोलो ने अपनी माया किनार दी, वो पोटरी बांध के रख दिया, क्या हीरे ज्वारात वगैरह के सब जो भी था धन दौलत रख दिया, ऐसे खोल के रख दी पटरी। और आगे जाते गए वो आगे आगे चल रहा है, वो कहता दुनिया में अंधे भी तो चलते हैं, मैं भी थोड़ा अंधा बन के देख लूँ। तो जहाँ वो धन दौलत पड़ी थी वहाँ वो अंधा बन के आगे निकल गया। अब वो बोले जी कहते पार्वती उठा ले, तू उठा ले, अब वो तो गया, उसका वक्त गया, अब तू उठा ले। वो उसके चेहरों में गिरी कि बोले भाया बा आपकी माया आप ही जानो, इसलिए नई प्राणी का चक्कर तो छोड़ो, आप जो ये ले रहा है इसको खुश होना चाहिए, मेरी कोई इस जमाने में मदद कर रहा है जहाँ सगे संबंधी एक रुपया हाथ में नहीं रखते, चल का भाई इतना बड़ा कर रहे हैं, चाहे उनकी आय का साधन कुछ भी हो जी जी जी। लेकिन देने वाला दिल तो चाहिए ना। सही बात है, दिल भी तो होना चाहिए, करोड़पति सब कुछ, कोई पानी पिया करा दी नहीं है भैया, 150 आदमियों का डेली। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा था। धन्यवाद दीदी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा था, अपने पांच प्यारों की अपने सिखों की बदौलत, इनकी इन्हीं की कृपा से सदे हम हैं, नहीं मैं से गरीब करोड़ पर हैं। वो जो दुनिया के मालिक थे वो अपने आप को गरीब कह के, हम क्या चीज़ है, जिसने सर्वस्व से निछावर कर दिया सबके लिए, उसने कहा इनकी इन्हीं की कृपा से सदे हम हैं, नहीं मैं से गरीब करोड़ पर। कोई कुछ कहता रहे भी तिलका भाई को ये आ रहा वो आ रहा, कहाँ से आ रहा है, ये अपना स्टार है। नहीं ये अपना स्टार है, वो लेके बांट तो रहे हैं ना, अपने पहले दिन रख रहे इस कड़कती धूप में बाहर आके लोगों की मदद कर रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं लोगों को। और अंकल जी मैं तो नहीं गल दसदी हां, इन्ना कमाईया तो कोई नहीं उठ सकता। नहीं जो आप कर रहे हो इस जमाने में कर ही कोई नहीं सकता। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 1.5-2 महीने में आपके पास आंटी, मैं आपके बेटे के पास आ रहा हूँ, ये मेरा भाई है और इनकी पूरी रेडी फल फ्रूट से भर के मैं भर के जाऊंगा, अपने इतना सामान डलवा जाऊंगा, इतना सामान डलवा जाऊंगा कि भैया कहेंगे मजा आ गया तलका भैया। इतना लकी स्टार है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता, हाथ पैर ना होने हाथ नहीं पैर नहीं चलने के बिना भी फिर भी डट के खड़ा अपने से। मैं 1.5-2 महीने में आ रहा हूँ आपकी रेडी पे, फल फ्रूट इतने भर के जाऊंगा, इतने भर के जाऊंगा कि तेलका मच जाएगा, है ना, तेलका बता दूंगा आंटी। एक छोटी सी गेम खेल रहा हूँ 10 सेकंड की बस, ठीक है जी। मेरे हाथ में ऐसे ऐसे फिंगर करूँगा पीछे, आपने बताना मैंने कितनी उंगली कर रखी है, एक कर रखा है, दो नंबर कर रखा है, 3 नंबर है, 4 नंबर। आपको मिलेगी फिर बहुत लग्जरी, बहुत हाई लेवल की भारत देश की सबसे तगड़ी घड़ी, ठीक है जी। चलो जी बताओ मेरे मैंने कितना नंबर किया हुआ जी? 5 में कर रहे हो? 5 में कर रहा हूँ। बताओ दो। ओहो लेकिन फिर भी तहलका भाई की तरफ से तगड़ा तहलका तगड़ा तोहफा। मेरे को भी तो कुछ दो, मेरे को तो मैं भी तो गर्मी में खड़ी हूँ, मैं इनसे 1,00,000 रुपए लूंगी अगर मैंने बता दिया कि मैंने कितना करा है। कितना करा मैंने उन्हें दीपिका बता दूं? 1,00,000 बचा ले परमात्मा। 5 में से दीपिका तूने 1 नंबर करा हुआ है। मैंने 1 ही करा था, लाओ 1,00,000 रुपए दो, 1 करा था तो मैं तो जीत गया, फिर भी 1,00,000 रुपए दो। मैंने बोला था जो मैं करूंगी अगर आपने बता दिया तो आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने 5 करा था 5 थप्पड़ मारूंगी मुंह पे, वीडियो वीडियो कुछ नहीं, लाओ 1,00,000 रुपए मेरे को भी दो, मेरे को कोई मेरा तो भला करे ही आदमी, सारी दुनिया का भला ही करना, मेरा नहीं करना। डेली अंडी 4 थप्पड़ मारती है। चलो अब बता दो अगर आप हार गए तो अब प्रॉमिस अब मैं चीटिंग नहीं करूंगी, ठीक है।
चलो सनी 1 2 3 देखो 1 लाख रुपए लूंगी, मुक्के मार के लू चाहे कैसे भी लू ले लूंगी फिर मैं। चलो 1 2 3 बताओ कितना करा है मैंने। 2 नंबर दीपिका, ठीक है 3 करा था नहीं, ये देख लो। अब तो देना पड़ेगा, अब तो करा था 3 कर दिया आपके बोल। दे रहे मुंह पे मारूंगी अभी 1 3 3 अब 1 लाख। ओ ईमानदारी ना, पेटीएम पड़े हैं आपके पास, मैंने देख लिए। तो दोस्तों भैया को तो चमचमाती स्कूटी मिल ही रही है, साथ ही साथ एक सुंदर सी लग्जरी घड़ी मिल रही है। भाई ताली बजाओ सारे के सारे। स्कूटी भी वाइट ही होगी अब लग रहा है मुझे। इसे भैया सैंडल वाले ना बस आप। चल रही है, चल रही है क्या? हाँ तो चल रही है। वाह भाई जबरदस्त है। कैसी लगी भैया? जबरदस्त भाई। अम्बाला जाओ, फोन कर दिया विवेक भैया को, चमचमाती स्कूटी खड़ी है 6 दिन में आपके पास। तेलका भैया ने फोन किया था, मेरे बड़े भैया तेलका भैया, इन्होंने मुझे कहा कि ये कहा था कि इनको एक स्कूटी देनी है बढ़िया एक्टिवा, अच्छा बढ़िया देना है। मैंने बोल दिया 1.5 से 2 महीने में आऊंगा। हाँ। भैया की पूरी रेडी भर के जाऊंगा, तहलका मचा के जाऊंगा। ओ भैया तहलका मचाए, आई लव तहलका भाई, तहलका भाई टी शर्ट पहनो। प्यार कैसे दिखाओगे आप अपना? इसी को पहन के आपने फोटो भेजनी है अपनी स्कूटी पे पूरे 6 दिन बाद। तो आज ही पैर के जाएगा। बोल दो भैया तहलका मचा देंगे, मचा देंगे। और जल्दी एक तहलका मचने भी वाला है ना सनी।